क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब जो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म था, क्वेश्चन था, उसमें आपको फैक्टर गिवन थे, तो आपने इजी वे में उसके एक्सपोनेंशियल पावर आपने राइट कर दी थी। यहाँ पर आपको ऑनली क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, 512। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे आपका फैक्टर मेथड होता है, किस किस से डिवाइड होता है उस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 512 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें डिवाइड करिए 512 का, तो 2 2 जा 4, 1 1 आया, 2 5 जा 10 और ये 1, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 5 6। अब 2 से डिवाइड करने का वो क्या होता है, रूल क्या होता है, जब लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होती है तो वो 2 से डिवाइड होती है। अब यहाँ पे भी देखिए 6 आ रहा है तो उसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से पता है डिवाइड होने वाली है, तो आप डिवाइड ऐसे लगा के देखते जाइएगा कि 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आया, 8 आया, तो मीन्स 2 से डिवाइड होगी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। लास्ट डिजिट 4, 4 आई है, 2 से डिवाइड होगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब आपको पता ही 16 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 जा 16, 8 भी आता है, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। आपके सारे फैक्टर निकले आए, तो 512 2 के फैक्टर में टूटा। अब 512 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आपका 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यू विल राइट 2 बेस में लिखेंगे, क्योंकि बेस क्या है इसका, 2, कितनी बार आया 2, 9। तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी, 2 की पावर 9, ये 512 का आंसर है। अब ना थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया है 729। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसमें तो 2 के नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। 3 का रूल क्या होता है, जब हम सम ऑफ द ऑल डिजिट इफ द डिवाइडेड बाय 3, अगर जो नंबर दिया है गिवन नंबर का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 7 + 2 + 9, तो आपने किया 7 8 9 9 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो मीन्स ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। आप फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, 3 से 3 2 जा 6 1 बचा 3 4 जा 12 3 3 जा 9। अब ऐड करके दिए 4 5 6 7 8 9 2 + 4 + 3, जितने भी ये नंबर्स है ना, नंबर के जितने फैक्टर है, 2 3 2 4 3, सबको ऐड करा, 4 5 6 7 8 9, 9 3 के टेबल में आते हैं, तो मतलब ये डिजिट आपकी 3 से डिवाइड है। 3 8 जा 24 3 1 जा 3, 8 1 9 होता है, मीन्स 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और आपका 2 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब इसके आप इसके फैक्टर क्या है, 3 3 आए सारे, तो फैक्टर क्या क्या है इसके, 7 2 9 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 4 5 6। 7 2 9 में आपका बेस कितना है, 3, और 1 2 3 4 5 6 बार आपका पावर, इसका जो एक्सपोनेंशियल पावर वो कितनी है, 6 है, बेस कितना है आपका 3, तो 7 2 9 का आएगा इसकी एक्सपोनेंशियल पावर होगी 3 की पावर 6। तो फर्स्ट पार्ट इज हियर एंड सेकंड पार्ट दिस, रेस्ट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट यू विल डू इट होमवर्क।